प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए उज्जैन को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और आगामी कुंभ मेले को लेकर सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों को स्थायी रूप से बसाने के लिए भूखंड दिए जाएंगे। महेश्वर और चंदेरी जैसे ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन मानचित्र पर उभारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला, वहाँ कुंभ प्रवेश करता है वृश्चिक राशि में, इसलिए कुंभ होता है। हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं, इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले, और सबसे बड़े मेले तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती। ऐसे में इन मेलों की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तुरंत आप अपने दल भी भिजवाओ प्रयागराज में भी, और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है, और उज्जैन तो वो स्थान है जहाँ अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। एक साल में सबसे ज्यादा देश में धार्मिक पर्यटक आने वाला स्थान अब हमारा मध्य प्रदेश और उज्जैन बना है। तो ऐसे में इनका प्रबंधन पूरे साल करने की जरूरत, बहुत सारे काम उस पर हम कर रहे हैं। इसका टास्क फोर्स बना दिया है, प्लान बना दिया है। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, ताकि टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। अपने सत्यमित्रानंद जी ने तो सालों पहले हरिद्वार में कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया है, वो 8 मंजिल, कितने मंजिल है ना, कितना भव्य बनाया, कितने साल पहले बनाया। तो हमने कहा जब वहां बन सकता है, हरिद्वार में भी तो कुंभ होता है, तो उज्जैन में क्यों नहीं बन सकता। और उज्जैन में भी सभी साधु संतों की स्थायी, इतना आनंद के साथ सभी साधु संतों ने स्वागत किया है, सब आने को तैयार है। हमने प्राधिकरण को बोल दिया कि एक बड़ी योजना बनाए और सारे लोगों का ये स्थायी समाधान करे।